hello students myself bhupinder kaur lecturer in biology from Gorman model senior secondary school 3b1 mohali dear students we are doing the fifth chapter that is morphology of flowering plants and in my previous lectures i have discussed about morphology of root stem leaf flower and our today's topic is inflorescence and brief description of families like febesi solanaceae and liliaceae dear students in this topic we are going to study or we are going to describe some of the families specially on the basis of morphology of flower so please watch the part 4 of this chapter that is morphology of flower because then only you can understand this lecture now students first we will do the topic in fluorescence now, what is meant by the term inflorescence? Dear students, inflorescence means the excess bearing cluster of flowers. So, jo hai, this is the cluster of flowers, group of flowers. The excess bearing group of flower is known as inflorescence. Now, students, sometimes the flower, they are present singly. So, if a flower is present singly, it is known as solitary flower but if the flower they are present in groups like this this is known as what inflorescence clear students so if the flower is present singly it is known as solitary flower and if the flower they are present in group or in cluster it is known as inflorescence now this axis this axis which is bearing cluster of flower is known as peduncle so the axis bearing cluster of flower is known as peduncle ना वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इन फ्लोरिसेंस स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस ये है कि इनफ्लोरिसेंस जो है वो फ्लावर को कंस्पिक्वस बनाएगी बिकॉज यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो ग्रुप्स में अरेंज हैं सो दे विल भी विजिबल टू द इंसेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस सो ये अट्रैक्टिव कर रही हैं फ्लार्स को फ्लावर को कंस्पीक्वस कर रही हैं ताकि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन मोर बाई ए सिंगल विजिट ऑफ एन इंसेक्ट मैनी फ्लावर्स दे विल बी पॉलिनेटेड एट अ टाइम और इन्फ्लोरेसेंस में स्टूडेंट सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली कट्ठे ओपन नहीं होते हैं दे आर ओपनड वन आफ्टर दी अदर सो दिस विल इम्प्रूव द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन एज फ्लावरिंग इट हैज़ अ लॉन्गर पीरियड सो दिस इज दिग्निफिकेंस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस सो वॉट इज इन्फ्लोरेसेंस स्टूडेंट्स इन्फ्लोरसेंस मीन्स द एक्सेस बियरिंग क्लस्टर ऑफ फ्लार्स नाउ स्टूडेंट्स इन्फ्लोरिस जो है दैट इज ऑफ टू मेन टाइप्स वन इज रेसिमोस इनफ्लोरिसेंस एंड सेकेंड इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस फर्स्ट वी विल डू रेसिमोस इन्फ्लोरिस नाउ रेसिमोस इनफ्लोरिसेंस इज ऑल्सो नोन एज इनडेफिनेट इन्फ्लोरसेंस बिकॉज इसमें जो पिडंकल है दिस पिडंकल इट शोज कंटिन्यू ग्रोथ फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड जो पिडंकल है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज दी पिडंकल हैज़ एन एक्टिव टर्मिनल बर्ड तो इसमें जो मेन एक्सेस है पिडंकल की इट कीप्स ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ इट नेवर टर्मिनेट्स इन टू अ फ्लार तो एपिकल बर्ड जो है पिडंकल का वो थ्रू आउट लाइफ या इनडेफिनेट पीरियड तक यह ग्रो होता रहता है और इसमें जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है वो एक््रोपीटल है एक्रोपिटल अरेंजमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो ओल्डर फ्लार हैं दे आर एट दी बेस और जो यंगर फ्लावर हैं दे आर एट दी एपेक्स ठीक है सो द ओल्डर फ्लावर दे आर एट दी बेस एंड यंगर फ्लावर दैट इज एट दी एपिक्स so this type of arrangement is known as what? acropetal arrangement. so racemos inflorescence में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की जो मेन axis है peduncle की it keeps on growing throughout life, it is having indefinite growth. ye ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है इनटू अ फ्लावर. और फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है स्टूडेंट्स इसमें एक्रोपीटल है एक्रोपीटल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है जो ओल्डर फ्लार्स हैं दे आर एट दी बेस और जो यंगर फ्लावर हैं दे आर एट दी एपिक्स या फिर अरेंजमेंट कैसी होती है स्टूडेंट सेंट्रीपीटल सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट का मतलब है कि जो ओल्डर फ्लावर हैं दे आर एट द पेरीफ्री ओल्डर फ्लावर्स जो हैं दे आर एट देरीफ्री और जो यंगर फ्लावर हैं दे आर इन द सेंटर सो so, इस तरीके से अगर अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स कि जो ओल्डर फ्लार्स हैं ये किनारे पे हैं पेरीफ्री पे हैं और जो यंगर फ्लावर हैं इफ़ दे आर प्रेजेंट इन देंटर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज वॉट सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट सो क्लियर स्टूडेंट्स रेसिमोस इन फ्लोरसेंस में मेन एक्सेस थ्रू आउट लाइफ ग्रो करती रहती है फ्लावर्स की अरेंजमेंट या तो एक्रोपीटल है या सेंट्रीपीटल है एंड यू ऑल मस्ट नो दिनिंग ऑफ एक्रोपीटल अरेंजमेंट एंड सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने गुल मोहर देखा हो गुलमोहर के फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है रेसीमोस मैनर में है या हम कह सकते हैं दे आर हैविंग वॉट रेसीमोस इन फ्लोरेसेंस नाउ स्टूडेंट्स दिस रेसीमोस इन दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी एट टाइप्स हमने स्टडी करनी है सबसे पहले टाइप है स्टूडेंट रेसीम रसीम में क्या है पिडंकल जो है उसमें बाइसेक्शुअल पेडिसलेट फ्लावर्स है और वो एक्टली अरेंजमेंट है मतलब एक टिपिकल रसीम कैसी है देखो ये ये दिखाया गया है डायग्राम दिस इज दी रसीम सो फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्शुअल है और देखो फ्लावर पेडिसलेट है पेडिसलेट पेडिसल का मतलब स्टॉक ऑफ द फ्लावर तो फ्लावर की स्टॉक है और ये कैसे अरेंज्ड है एक्रोपिटल अरेंजमेंट है सो अगर फ्लावर्स बाइसेक्शुअल है तो उनमें पेडिसल प्रेजेंट है और उनमें एक्रोपिटल अरेंजमेंट है तो वी दैट इज नोन एज वॉट रेसिन अब नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट सेकेंड टाइप स्पाइक स्पाइक में देखो फ्लावर जो है वो ससाइल हैं अब मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ससाइल ससाइल का मतलब क्या होता है जिन फ्लावर की स्टॉक्स नहीं होती देखो यहां पे जो फ्लावर्स हैं दे डोंट हैव एनी स्टॉक बट जो अरेंजमेंट है फ्लावर की दैट इज़ इन दी एक्रोपिटल मैनर सो अगर फ्लावर सिसाइल हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन एक्रोपिटल मैनर दैट इज़ नोन एज वॉट स्पाइक नाउ स्टूडेंट्स थर्ड टाइप की तरफ आ जाओ डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा कैटकिन कैटकिन देखो एक्चुअली है तो स्पाइक ही है इसकी रिजम्बलेंस जो है वो स्पाइक की तरह है बट जो पिडंकल है ये जो एक्सेस है जिसपे फ्लावर्स अरेंज्ड है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेंडुलम पेंडुलम की तरह है जैसे पेंडुलम जो है वो टू फ्रू जो है उसमें टू फ्रो मूवमेंट होता है इसी तरीके से ये जो पिडंकल है दिस इज लाइक पेंडुलम सो दिस इज दर्ड टाइप दैट इज दैटकिन सो देखो स्टूडेंट्स ये दिखाया गया है रसीम जो है रसीम में पिडंकल जो है दैट इज हैविंग बाई सेक्शुअल पेडिसलेट फ्लार्ज अरेंजड एक्रोपिटली स्पाइक में क्या है सिसाइल फ्लार्स हैं अरेंजमेंट तो वही होगी स्टूडेंट्स एक्रोपिटल अरेंजमेंट है कैटकिन में हमने पढ़ा कैटकिन जो है वो मोरस में प्रेजेंट है इसमें क्या है पेंडुलस स्पाइक है पेंडुलस जो स्पिडंकल है दैट इज पेंडुलम लाइक और फ्लार्स कैसे हैं इसमें यूनिसेक्शुअल फ्लार्स होते हैं आइदर मेल फ्लार्स दे आर प्रेजेंट और द फीमेल फ्लार्स इज प्रेजेंट अब स्पाइकलेट स्पाइकलेट जो है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेसिमोज इन फ्लोरेसेंस एंड दिस इज अ स्मॉल स्पेशल स्पाइक यहाँ पे फ्लार्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड है इन दी एग्जिल ऑफ फर्टाइल ब्रैक्ट यहां पर फ्लार्स जो है वो ब्रैक्ट के एग्जिल में प्रेजेंट है और इन ब्रैक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स लेमा तो वीट की जो इंफ्लोर है स्टूडेंट स्पाइकलेट दैट इज नोन एज वॉट स्पाइकलेट सो दीज आर दाइप ये देखो स्टूडेंट यहां पर यह डायग्राम दिखाया गया है स्पाइकलेट का तो ये देखो ये जो फ्लावर्स है ससाइल फ्लॉर्स हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन दिल ऑफ द ब्रैक्ट सो दिस इज दिन और स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस किसमें प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉड्स लाइक वीट एंड ग्रासिस नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है स्पेडिक्स फिफ्थ टाइप इज द स्पेडिक्स स्पेडिक्स भी इट इज अ टाइप ऑफ रेसीमोज इनफ्लोरेसेंस स्पेडिक्स भी जो है वो स्पाइक ही है स्पाइक क्या था जिसमें फ्लाद सिसाइल थे दे वर अरेंजड एक्रोपिटली बट इट इज अ स्पाइक बट इसमें जो एक्सेज है पिडंकल है दैट हैज़ बिकम फ्लैशी एंड इट इज़ हैविंग बोथ दी टाइप ऑफ फ्लार्स मेल एज वेल एज फीमेल फ्लार्स और पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज कवर्ड बाई कल ब्रैक्ट और इस ब्रैक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट स्पेथ कहते हैं प्रेजेंट है बनाना की इन्फ्लोरेसेंस में बनाना की इन्फ्लोरेसेंस तुमने देखी होगी स्टूडेंट्स पिंक कलर की एक ब्रैक्ट जो है वो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस को कवर्ड करती है तो ये जो पिंक कलर की ब्रैक्ट है स्टूडेंट कॉरिम कॉरिम में जो मेन एक्सेस है दैट इज शॉर्ट और जो लोअर फ्लावर्स है दे आर हैविंग लॉन्गर पेडिस अपर वन और सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो एक ही लेवल पे आ गए हैं इसका एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर है स्टूडेंट्स हम इसको डायग्राम से थोड़ा सा और जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं ये दिखाएंगे स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम सो यहाँ पे देखो दिस इज दिक्चर ऑफ दी स्पैटिक्स तो स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस जो है दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बनाना तो इसमें जो मेन एक्सेस है देखो मेन एक्सेस जो है वो फ्लैशी हो गई है थिक है फ्लावर्स अरेंज है ऑन दी मेन एक्सेस और पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे एक पिंक कलर की स्ट्रक्चर ब्रैक्ट कवर कर रही है विच इज़ नोन एज वॉट स्पेथ नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स कॉरिम्ब कॉरम्ब में क्या है कि जो लोअर फ्लावर्स हैं ठीक है उनकी जो एक्सेस है उनकी जो पेडिसल है दैट इज़ वेरी लॉन्ग और जो अपर फ्लावर्स हैं उनकी पेडिसल जो है वो शॉर्ट है सो so दैट सभी फ्लावर्स जो हैं वो एक ही लेवल पे आ गए हैं देखो ओल्डर फ्लावर्स एज वेल एज दी यंगर फ्लावर्स दे ऑल हैव ब्रॉट टू दी सेम लेवल अब तुम देखो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखो तो अरेंजमेंट कैसी है फ्लावर की सेंट्री पीटल जो है वो अरेंजमेंट है सेंट्री पीटल का मतलब कि जो यंगर फ्लावर हैं दे आर एट दी सेंटर और जो ओल्डर फ्लावर हैं दे आर एट दी देरीफ्री तो यह कॉरम्ब इन्फ्लोरिसेंस है कॉरम्ब इन्फ्लोरिस स्टूडेंट्स कॉलीफ्लावर में प्रेजेंट है ये हम आगे डायग्राम करेंगे उसे और भी ज्यादा तुम्हें क्लियर हो जाएगा विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नेक्स्ट है स्टूडेंट अंबल अम्बल इनफ्लोरिसेंस जो है दिस इज प्रेजेंट इन कोरिएंडर धनिया अगर तुमने कभी कोरिएंडर के फ्लावर्स को ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सेस है पिडंकल जो है दैट इज रिड्यूस टू अ पॉइंट एंड ऑल दी फ्लारे आर अरेंज एट द्वाइंट सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो इस पॉइंट से अराइज हो रहे हैं और पूरे के पूरे फ्लार्स को एक इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट ठीक है एक वर्ल्ड ब्रैक्ट की वर्ल मतलब घेरा है एक ब्रैक का देखो ब्रैक ने कैसे एक घेरा सा बना के रखा हुआ है तो ये जो वर्ल्ड होता है ब्रैकट का दिस इज नोन एज वॉट इन्वॉल्यूकर तो सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं उन्हें एक इन्वॉल्यू जो है ब्रैक्ट की कवर कर रही है एंड दिस इज नोन एज वॉट अम्बल इन्फ्लोरेसेंस अम्बल इन्फ्लोरेसेंस जो है दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कोरियडर और लास्ट इन्फ्लोरेसेंस है स्टूडेंट कैपीचुअलम कैपीचलम इन्फ्लोरेसेंस सनफ्लावर में प्रेजेंट होती है तो इसमें जो रिसेप्टिकल है जो देखो थैलेमस है उसने ऐसे कप लाइक शेप्स स्ट्रक्चर जो है वो बनाई हुई है और सनफ्लावर के केस में जो फ्लावर हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स एक होते हैं रे फ्लोरेट्स और एक होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स डिस्क फ्लोरेट्स जो हैं यंगर फ्लावर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दी सेंटर और जो रे फ्लोरेट्स हैं दीज आर दी ओल्डर फ्लावर विच आर प्रेजेंट टू दी देरीफ्री और पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज अगेन सराउंडेड बाय द इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट विच वर्ल ऑफ ब्रैक्ट विच इज़ नोन एज व्हाट इन्वॉल्यूकर सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉट रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस नाउ स्टूडेंट्स देखो ये दिखाया गया स्टूडेंट्स ये स्पेडिक्स दिखाया गया स्पेडिक इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स बनाना में प्रेजेंट है तो ये देखो पिडंकल दिखाई गई है पिडंकल पर सारे फ्लार्स जो हैं वो अरेंज हैंटली और देखो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस को ये ब्रैक्ट जो है वो कवर्ड कर रही है और इस ब्रैक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स स्पेथ कहते हैं जो यूजली पिंक कलर की होती है अगर तुमने कभी बनाना की इन्फ्लोरेसेंस देखी होगी तो बनाना की इन्फ्लोरेसेंस का किस टाइप की है स्टूडेंट्स इट इज़ नोन एज स्पैटिक्स अब देखो स्टूडेंट्स कॉलीफ्लार जो है कॉली में किस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस है कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस है देखो ओल्डर फ्लावर की जो स्टॉक है दे आर लॉन्ग और जो यंगर फ्लावर्स हैं उनकी जो स्टॉक है वो छोटी हैं एंड ऑल दी फ्लावर्स दे हैव कम टू द सेम लेवल तो देखो अगर स्टूडेंट के तुमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए कि इज कॉलीफ्लार अ फ्लार नो कॉलीफ्लार इज नॉट अ फ्लार कॉलीफ्लार इज एक्चुअली एन इनफ्लोरिसेंस ये एक सिंगल फ्लार नहीं है ये क्लस्टर है ऑफ फ्लार्स दिस इज एन इनफ्लोरेसेंस ओके स्टूडेंट सो कॉलीफ्लावर नाम से तो लग रहा है दैट इट इज अ फ्लार बट इट इज एक्चुअली नॉट अ फ्लॉर इट इज एन इनफ्लोरिसेंस नेक्स्ट है स्टूडेंट्स देखो ये दिखाया गया है अंबल सो so ये कोरिएंडर के हैं देखो फ्लार धनिए के फ्लार जो हैं वो अंबल में होते हैं इसमें क्या होता है कि जो पिडंकल है दैट इज रिड्यूस टू अ पॉइंट एंड ऑल दी फ्लावर्स दे आर राइजिंग फ्रॉम दी सेम पॉइंट सो दिस इज़ दी अंबल इनफ्लोरेसेंस और कैपिचुअलम इनफ्लोरेसेंस स्टूडेंट्स सन फ्लार के अंदर प्रेजेंट है अब देखो सन फ्लार नाम से लग रहा है इट इज़ अ फ्लावर बट अगेन इट इज़ नॉट अ फ्लावर इट इज़ एन इनफ्लोरेसेंस ये इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ फ्लार्स ये जो पिंक येलो कलर के तुम्हें नज़र आ रहे हैं दिस इज़ वन फ्लार दिस इज़ वन फ्लार इसको हम कहते हैं रे फ्लोरेट और ये जो ब्राउन कलर के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं सन फ्लार के दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लार विच इज़ नोन एज डिस्क फ्लोरेट्स सो so बहुत सारे रे फ्लोरेट्स और बहुत सारे डिस्क फ्लोरेट्स का क्लस्टर है सनफ्लावर, सो सनफ्लावर इज़ नॉट अ फ्लावर, इट इज़ एन इन्फ्लोरेसेंस और किस टाइप की इन्फ्लोरसेंस है सनफ्लावर के केस में स्टूडेंट्स कैपिचुलम, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरिस नेक्स्ट स्टूडेंट्स है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस अब साइमोस इन्फ्लोरिस ठीक इसके ऑपोजिट है रेसीमोस में हमने देखा कि जो मेन एक्सेज है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ उसमें इनडेफिनेट ग्रोथ इनडेफिनेट ग्रोथ जो है दैट इज प्रेजेंट बट साइमोस इन्फ्लोरिस में ऐसा नहीं है साइमोस इन्फ्लोरिस जो है वो एक डेफिनेट इन्फ्लोरिस है जिसमें जो पिडंकल है जो मेन एक्सेस है दिस इज़ हैविंग लिमिटेड ग्रोथ बिकॉज जो एपिकल बड़ है मेन uh, एक्सेस का वो टर्मिनेट कर गया है इन अ फ्लार तो मेन एक्सेस जो है दिस हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग तो अब फर्दर ग्रोथ कैसे होगा प्लांट का फर्दर ग्रोथ होगा विद दी हेल्प ऑफ दी लेटरल ब्रांचेस क्लियर स्टूडेंट्स तो साइमोस इन फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सेस है दिस इज हैविंग लिमिटेड ग्रोथ इट टर्मिनेट्स इन टू अ फ्लार एंड द फर्दर ग्रोथ विल टेक प्लेस विद दी हेल्प ऑफ दी लेटरल ब्रांचेस और लेटरल फ्लार्स ओके स्टूडेंट्स और इसमें फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है बेसीपिटल है रेसिमोस में कैसी थी एक्रोपिटल थी एक्रोपिटल का मतलब यंगर जो थे देवर एट दी टॉप और जो ओल्डर थे देवर एट द बेस इसमें ऑपोजिट है ओल्डर जो है दे आर एट द टॉप दिस ओल्डर इज एट दी टॉप और जो यंगर है दैट इज एट द बेस ठीक है सो दिस इज नोन एज वॉट बेसिपिटल अरेंजमेंट या फिर सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट अब रेसीमोस में कैसी थी सेंट्री पीटल थी सेंट्री पीटल में क्या था जो यंगर थे वो सेंटर में थे और ओल्डर जो थे वो पेरी पे थे ठीक है इस तरीके की अरेंजमेंट थी अब इसमें कैसा अरेंजमेंट है इसमें अरेंजमेंट इसका अपोजिट होगा कि जो यंगर होंगे दे आर एट दी पेरी वो पे पेरी पे है और जो ओल्डर है दे आर टू वर्ड्स दी थी सेंटर ठीक है ओल्डर जो हैं दे आर टू वर्ड्स दी

एंड द साइमोज इन्फ्लोलसेंस इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स अब ये है यूनीपेरस बाईपेरस और मल्टीपेरस अब देखो यूनीपेरस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स अगर मेन एक्सेस टर्मिनेट कर गई है इन टू अ फ्लार और फर्दर ग्रोथ जो है फ्लार का फर्दर ग्रोथ जो है वो पिडंकल की या एक्सेस की दैट इज टेकिंग प्लेस विद दी हेल्प ऑफ वन लेट्रल ब्रांच विद द हेल्प ऑफ वन लेट्रल ब्रांच अब देखो ये भी टर्मिनेट करगी इन टू अ फ्लार फर्दर ग्रोथ हो कैसे होगा विद दी हेल्प ऑफ सिंगल लेटरल ब्रांच विद दी हेल्प ऑफ सिंगल लेट्रल ब्रांच दिस इज नोन एज वॉट यूनी पेरस अब यूनी पेरस जो है वो दो टाइप की है एक है हेलीकॉयट और एक क्या है स्कॉरपॉयट हैलीकॉयड का मतलब है कि अगर जो लेटरल ब्रांचेस एराइज हो रही हैं दे आर अराइज इन द सेम डायरेक्शन देखो इसकी ये राइट right डायरेक्शन में निकली ये भी इसकी राइट right डायरेक्शन में निकली ये भी इसके राइट डायरेक्शन में निकली दिस इज नोन एज वॉट यूनिपेरस हेलीकॉड और अगर लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रही हैं एक बारी राइट right, एक बारी लेफ्ट तो दिस इज नोन एज वॉट स्कॉर पॉइंट देखो ये मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई इन टू फ्लार फर्दर ग्रोथ एक लेटरल ब्रांच से हो रहा है इन द राइट डायरेक्शन देन इन द लेफ्ट डायरेक्शन देन इन द राइट डायरेक्शन देन इन द लेफ्ट डायरेक्शन दिस इज नोन एज वॉट स्कोर पॉइंट तो यह यूनिपेरस साइमोज इंफ्लोरसेंस है बाईपेरस में क्या होगा बाई मीन टू अब दो लेट्रल ब्रांचेस अराइज होंगी तो मेन एक्सेस टर्मिनेट हो गया इन टू अ फ्लार फर्दर ग्रोथ कैसे होगा विद्प ऑफ टू लेट्रल ब्रांचेस ये भी टर्मिनेट कर जाएगा इंटू अ फ्लार फर्दर ग्रोथ कैसे होगा विद देल्प ऑफ टू लेट्रल ब्रांचेस सो so, दिस इज नोन एज वॉट बाईपेरस मल्टीपेरस में देर विल बी मेनी इलेट्रल लि ब्रांचेस सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस नेक्स्ट अब हमने आ, हमने डिस्क्राइब करनी है हमने डिस्क्रिप्शन करनी है कुछ फैमिलीज की सो थ्री फैमिलीज वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब वन बाई वन सबसे पहला स्टूडेंट्स की वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जब हमने एक फ़्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करना है तो उसमें हमने कई मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जैसे हम उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी रूट्स कैसी हैं उसकी स्टेम कैसी है उसकी लीव्स कैसी हैं है. फिर हम उसके फ्लावर की डिस्क्रिप्शन करते हैं कि फ़्लावर में सेपल्स कैसे हैं पेटल्स कैसे हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है उनका कलर कैसा है एंथर्स का नंबर क्या है गाइनेशियम uh, कैसा है कार्पल्स का नंबर क्या है कार्पल्स फ्री है या फ्यूज है ये सभी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लार प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट बिकॉज इसमें हमने डायरेक्ट टर्म्स यूज़ करने हैं जैसे मैंने तुम्हें उस लेक्चर में बताया है व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर तो जब हम फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे आई विल यूज़ दी टर्म एक्टिनोमॉर्फिक ओनली यू मस्ट नो वट इज़ दी मीनिंग ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक यू मस्ट नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ जाइगोमॉर्फिक ना फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल फार्मूला सिम्बल्स हैं जो फ्लार को डिस्क्राइब करता है आगे हम देखेंगे फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डाइग्राम जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट दी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लार सेप्पल्स कितने हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है पेटल्स कितने हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो फ्लोरल डायग्राम में क्लियर होती हैं सो so, अब देखो कुछ टेक्निकल जो डिस्क्रिप्शन है अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लोरल फार्मूला में हम ये सिंबल्स यूज करते हैं देखो स्टूडेंट्स बी आर बी आर मीन्स ब्रैक्टिएट जिन फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है बी आर यूज करेंगे और जिनमें ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट वहां पे क्या यूज करेंगे ई बी आर ई ब्रैक्टिएट स्टूडेंट्स याद रखो के सिंबल यूज किया जाता है फॉर कैलेक्स सी फॉर कोरोला पेटल्स पी पेरियंथ के लिए अगर सेपल्स और पेटल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं हमें पता ही नहीं लग रहा विच वन इज सेपल विच वन इज़ पेटल तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स पेरियंथ सो पी सिंबल यूज़ हो रहा है फॉर पेरियंथ ए फॉर द एंड्रोसीम जी फॉर द गाइनेशियम ठीक है अगर हमने जी के नीचे छोटा सा डैश लगाया है मतलब जी को हमने ऊपर रखा है तो इसका जी क्या है ओवरी है तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि ओवरी सुपीरियर है अगर हमने G के ऊपर डैश लगा दिया इस तरीके से तो G को हमने इस डैश के नीचे रखा है इस लाइन के नीचे रखा है मीन्स ओवरी क्या है इन्फीरियर है क्लियर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लार के लिए कौन सा सिंबल लगाना है हमने ये वाला दिस इज दी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लार जाइगोमॉर्फिक के लिए हमने ये परसेंटेज वाला सिंबल यूज़ करना है फ्यूजन अगर है तो हमने उनको ब्रैक्ट में रखना है अगर सपोज किसी फ्लार में पांच पेटल्स हैं और वो फ्यूज्ड हैं तो हमने उसे ब्रैकेट में रख देना है कि दे आर है वो तो इस ये सिंबल्स तुमने स्टूडेंट्स याद रखने हैं तो ये देखो स्टूडेंट्स दिखाया गया है दिस इज डायग्राम देखो फ्लोरल डायग्राम में किस तरीके से ये दिखाए गए ये जो बाहर वाला वर्ल है ये क्या स्टूडेंट्स दीज आर सेपल्स क्या पता लग रहा है चार सेपल्स है इसमें चार देखो पेटल्स हैं ये क्या दिखाए गए हैं ये एंथर्स हैं स्टेम दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये बीच वाला क्या है दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये जो डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स दिस इज द फ्लोरल डायग्राम और ये जो नीचे सिंबल लिखा हुआ है स्टूडेंट सिंबल से डिनोट किया गया है फ्लार को दिस इज द फ्लोरल फार्मूला तो फ्लोरल फार्मूला से थोड़ा बहुत तुम्हें पता लग रहा है क्या बता रहा है ये कि फ्लार एक्टिनोमॉर्फिक है ये सिंबल यूज हुआ है प्लस एज वेल एज एरो इसका मतलब ये बाईसेक्शुअल फ्लावर है क्योंकि प्लस सिंबल होता है फॉर दी फीमेल एरो सिंबल होता है फॉर दी मेल अगर इसमें दोनों सिंबल्स हैं इट मींस ये फ्लावर बाइसेक्शुअल है इसमें मेल पार्ट भी है इसमें फीमेल पार्ट भी है सी क्या है के क्या है कैलेक्स सेप्पल्स सी क्या है करोला ए क्या है एंड्रोशियम जी क्या है गाइनेशियम स्टूडेंट्स ठीक है तो ये दिस ये दिस इज़ दी फ्लोरल डायग्राम एंड दिस इज़ दी फ्लोरल फार्मूला और ये क्या होता है पॉइंट स्टूडेंट्स ये मदर एक्सेस होती है मदर एक्सेस का मतलब जैसे ये एक कर मेन हमारी स्टेम है और ये फ्लार प्रेजेंट है देखो ये फ्लार है तो हम फ्लार को ऐसे देख रहे हैं सपोज इधर से देख रहे हैं ये हमारी आँखें हैं हम फ्लावर को देख रहे हैं तो हमने इसको फ्लावर को इस तरीके से ड्रॉ किया है तो ये जो एक्सेस है ना ये मेन एक्सेस के साथ अटैच्ड है ये फ्लावर तो ये जो ये डॉट दिखाया गया है दिस इज़ दिस मेन एक्सेस तो फ्लावर की हमने डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ से देख के करनी है तो मदर एक्सेस जो है दैट इज़ प्लेस्ड पोस्टीरियरली नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब सम फैमिली सबसे पहली फैमिली है फेबेसी फेबेसी के अंदर आते हैं मटर दालें ये सारी की सारी जो है वो फैमिली फेबेसी को बिलोंग करते हैं तो वेजिटेटिव करेक्टर्स क्या है इसमें ट्रीज़ हैं श्रब्स हैं हर्ब्स हैं इस फैमिली के अंदर लीव्स कैसी हैं ऑल्टरनेट हैं लीव्स मैंने बताया तुम्हें स्टूडेंट्स वॉट इज़ ऑल्टरनेट पिनेटली कंपाउंड हैं सिंपल हैं लीफ बेस बताया था कि जो फेबेसी फैमिली में जो लीफ बेस होता है वो स्वोलन होता है ट कहते हैं स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं कैसी है रेटिकुलेट है स्टूडेंट्स ये सारी टर्म्स तुम्हें करवाई गई हैं जब हमने फैमिली को डिस्क्राइब करना है तो हमने डायरेक्ट ही टर्म्स यूज करनी है बट वी ऑल मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन कैसा है इसमें रेसिमोस इन है फ्लावर कैसा है बाइसेक्शुअल है जाइगोमॉर्फिक फ्लार हैं पी के केस में कैलेक्स सेपल्स कितने हैं पाँच गैमोसेपलस हैं फ्यूज हैं एस्टिवेशन का मतलब क्या था सेपल्स की अरेंजमेंट कैसी है विद रिस्पेक्ट टू वन एनदर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है कोरोला पेटल्स पाँच हैं पॉली पेटल्स हैं मतलब वो फ्री हैं पेपिलियोनेशियज़ हैं पेपिलियोनेशियस का मतलब ये तुम्हें मैंने बताया था एस्टिवेशन जब करवाई थी वेग्जिलरी एस्टिवेशन बताया था वेग्जिलरी एस्टिवेशन दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पी तो उसमें पीछे वाला जो पोस्टीरियर जो पेटल है दैट इज़ लार्ज इन साइज जिसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं दो लेटरल क्या हैं विंग्स हैं और दो एंटीरियर जो पेटल्स हैं उन्होंने फ्यूज करके की लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म की है सो दिस इज़ नोन एज वॉट पेपिलियोनेशियस कुरोला तो पेपिलियोनेशियस कुरोला जो है दैट इज प्रेजेंट इन दैमिली एंड्रोशियम टेन है टेन स्टेम uh, है और उन्होंने फ्यूज होके दो ग्रुप बनाए हैं नाइन कट्ठे फ्यूज है एक सेपरेट है और एंथर एंथरडाइक है गाइनेशियम ओवरी सुपीरियर है मोनोकार्पिलरी है विद ओनली वन कार्पल एक ही लोक्यूल है एक चैम्बर है विद मेनी ओव्यूल्स स्टाइल सिंगल है फ्रूट इसमें लेग्यूम है सीड जो है दे आर वन टू मेनी और नॉन एंडोस्पर्मिक तो ये स्टूडेंट्स फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया है देखो फेबेसी फैमिली का तो ये देखो बाहर वाला जो वर्ल्ड शो किया गया है ये क्या है दीज आर दी सेपल्स पांच सेपल्स हैं देखो फ्यूज दिखाए गए हैं जुड़े गए हैं ना दे आर अटैच्ड विद वन अदर दे आर फ्यूज ये फिर इनर वाला वर्ल्ड किसका है दिस इज दी पेटल्स पेटल्स कितने हैं फाइव है ये देखो स्टैंडर्ड है ये है लेट्रल विंग्स हैं ये दो एंटीरियर क्या हैं पेटल्स हैं जिन्होंने फ्यूज़ करके कील लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म की है ये देखो स्टूडेंट्स एंथर्स दिखाए गए नाइन को देखो फ्यूज दिखाया गया है और एक जो है वो फ्री रखा गया है ठीक है तो ये इसको कहते हैं डाई कंडीशंस दो ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं एंथर्स और ये बीच वाला पार्ट क्या है दिस इज देखो मोनोकार्पिलरी है यूनिलॉकुलर है एक ही चैम्बर प्रेजेंट है मैनी ओव्यूज दे आर प्रेजेंट और स्टूडेंट्स ये जो लिखा गया है दिस इज दी फ्लोरल फार्मूला अब देखो हम एक बारी मैं फ्लोरल फार्मूला तो मैं डिटेल में देखो डिस्क्राइब करती हूँ परसेंटेज सिंबल यूज किया गया इसका मतलब क्या है जाइगोमॉर्फिक है फ्लार के का मतलब कैलेक्स ठीक है तो कैलेक्स किसका बना हुआ है सेप्पल्स का बना हुआ है पांच सेप्पल्स हैं ब्रैकेट में रखा गया है पाँच को इट मीन्स जो सेपल्स हैं वो फ्यूज हैं सी क्या है कुरला कुरोला, कुरोला पेटल्स कितने हैं पाँच हैं एक क्या है स्टैंडर्ड है दो क्या हैं लेटरल विंग्स हैं दो जो हैं वो फ्यूज हैं देखो तो इसलिए उनको ब्रैकेट में रखा गया है दो को फ्यूज जिन्होंने कील लाइक -like स्ट्रक्चर फॉर्म की है एंड्रोशियम क्या है एंथर दो ग्रुप हैं नाइन जो हैं वो फ्यूज हैं तो नाइन को देखो ब्रैकेट में रखा गया है और एक जो है दैट इज सिंगल ओवरी सुपीरियर है इसलिए जी के नीचे जो है वो डैश लगाया गया है इट मीन्स दी गाइनेशन दैट इज ओवरी इज सुपीरियर वन का मतलब क्या है इट इज़ हैविंग ओनली वन कार्पल सो so ये स्टूडेंट्स देखो फ्लोरल फार्मूला अगर लिखा जाता है तो उससे भी हमें फ्लावर की जो है डिस्क्रिप्शन हो जाती है सो दिस इज़ अबाउट द फैमिली फेबेसी और फेबेसी के अंदर सारी की सारी पल्सेस हो गई जैसे अरहर दाल हो गया मूंग दाल सोयाबीन सोयाबीन ऑयल है ना ग्राउंड नट ये सारी चीज़ें आती हैं इवन जो डाई है इंडिगो दैट इज दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू दी फैमिली फेबेसी और मुलिठी जो है मेडिसिन के तौर पे जो यूज़ की जाती है इट आल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली दैट इज़ फेबेसी नेक्स्ट स्टूडेंट फैमिली है सोलनेसी सोलनेसी जो है इसके अंदर एग्जांपल आता है पोटैटो टोमेटो एक्सेट्रा ठीक है तो प्लांट्स जो हैं वो हर्ब्स हैं श्रब्स हैं और स्टेम कैसी है हर्बेशियस है कई केसेस में वुडी भी है और पोटैटो के केस में देखें तो वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट है सिंपल है पिनेटली कंपाउंड है एक्स स्टिपुलेट है मतलब स्टिप्यूल एब्सेंट है वनेशन कैसी है रेटिकुलेट वनेशन है अब हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की तरफ आएँ इनफ्लोरसेंस कैसा है सॉलिट्री है देखो सिंगल फ्लार है प्रेजेंट है और वो एक्सिलरी है इन दी एग्जिल ऑफ लीव प्रेजेंट है या फिर वो साइमोज फ्लोरेसेंस है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो है वो सोलेनम में प्रेजेंट है अब फ्लावर कैसा है बाइसेक्शुअल है मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है एक्टिनोमॉर्फिक है किसी भी प्लेन में उसे दो इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है जैसे इस फ्लावर को देखो किसी भी प्लेन में दो इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है दिस इज़ नोन एज वॉट एक्टिनोमॉर्फिक फ्लार जबकि पी फ्लार जो अभी हमने पहले डिस्कस किया उसकी सिमिट्री कैसी थी वो जाइगोमॉर्फिक था क्योंकि उसे एक ही प्लेन में दो इक्वल हाफ़ में कट किया जा सकता है इसको किसी भी प्लेन में हम दो ए, ए, इन एनी प्लेन इट कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ्स सो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है कैलेक्स में सेपल्स कितने हैं फाइव हैं यूनाइटेड हैं देखो डायग्राम देखो फ्लोरल जो है डायग्राम तो देखो सेपल्स पाँच हैं फ्यूज हैं परसिस्टेंट होते हैं है। तो तो के केस में तुम देखते हो कि कई बार ये ग्रीन कलर के सेपल्स प्रेजेंट होते हैं तो परसिस्टेंट हैं सेपल्स वेलवेट well एस्टिवेशन है कोरोला पेटल्स फाइव है यूनाइटेड है, वेलवेट well एस्टिवेशन है एंड्रोशियम देखो स्टेम्स कितने दिखाए गए हैं पांच स्टेमन्स हैं एपी पेटल्स अब ये टर्म आई है स्टूडेंट्स एपी पेटल्स एपी पेटल्स का मतलब है कि ये जो स्टेमन है ये पेटल्स के साथ अटैच्ड है गाइनेशियम बाई कार्पिलरी है स्ट्रक्चर देखो गाइनेशियम वाला पार्ट देखो देखो दो कार्पल्स नज़र आ रहे हैं बाई कार्पिलरी है सिन कार्पस है ओवरी सुपीरियर है बाईलोकुलर है स्वोलन प्लेसेंटा है विद मेनी ओव्यूल सो दिस वॉज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोलनेसी फैमिली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली दे आर सोर्स ऑफ फूड जैसे टोमैटो हो गया ब्रिंजल हो गया पोटैटो दे आर ईटन चिलीज हो गया मेडिसिन हैं बेलाडोना अश्वगंधा हो गया टोबैको मैनी ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक पिट्यूनिया प्लांट दे ऑल बिलोंग टू द फैमली सोलनेसी लास्ट फैमिली है स्टूडेंट्स लिलियेसी कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इज अ केक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट्स तो अभी जो हमने दो फैमिलीज की दैट वर डाइकॉट्स को बिलोंग करती थी फेबेसी जो है दैट ऑल्सो बिलोंग टू दी मोनोकॉट्स तो लिलियसी जो है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द मोनोकॉट एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में पेरीनियल हर्ब्स हैं अंडरग्राउंड बल्बस होते हैं इनमें लिली का हमने पता किया था कि उसमें बल्बस हैं कॉम्स हैं राइजोम्स हैं लीव्स जो हैं दे आर मोस्टली बेसल ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है एक्स स्टिपुलेट है, 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 है और मोनोकॉट्स में हमें पता है वेनेशन कैसी होती है स्टूडेंट्स पैरल वेनेशन है नाउ कम टू दी फ्लोरल कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट जब हमने किसी फैमिली को डिस्क्राइब करना ना स्टूडेंट्स तो बेशक हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ना लिखें बट फ्लोरल कैरेक्टर्स जो हैं हमें ज़रूर मैंशन करने होते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट सो इनफ्लोरेसेंस कैसी है सॉलिट्री या साइमोस है और अम्बलेट होती है अभी हमने अम्बल इन्फ्लोरेसेंस की सो so, अम्बलेट है फ्लावर बाइसेक्शुअल हैं दोनों पार्ट प्रेजेंट है मेल एज वेल एज फीमेल एक्टिनोमॉर्फिक हैं किसी भी प्लेन में इन्हें दो इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है पेरियंथ है देखो यहां पे देखो स्टूडेंट सेपल और पेटल वर्ड नहीं यूज किया पेरियंथ यूज किया है बिकॉज ये जो तुम्हें पिंक कलर की स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ना तो ये सेपल्स और पेटल्स ही हैं बट कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो रही विच वन इज सेपल विच वन इज पेटल एक्चुअली यहां पे हुआ क्या है कि जो सेपल्स हैं वो कलर्ड हो गए हैं दे आर पेटल लाइक सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेप्पल्स एंड पैटल्स तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे पेरियंथ तो पेरियंथ में सिक्स टेपल्स हैं थ्री प्लस थ्री वन टू थ्री थ्री एंड दिस थ्री थ्री प्लस थ्री वेलवेट एस्टिवेशन है एंड्रोशियम स्टेमन्स देखो डायग्राम में सिक्स हैं थ्री प्लस थ्री सिक्स स्टेमन्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गाइनेशियम आज ट्राई कार्पिलरी है देखो तीन कार्पल्स हैं सिन कार्पल है ओवरी सुपीरियर है, ovary superior है ट्राई लॉकुलर है तीन चैम्बर्स नजर आ रहे हैं विद मैनी ओव्यूल्स और प्लेसेंटेशन कैसी है एग्जाइल प्लेसेंटेशन हमने प्लेसेंटेशन की टाइप्स भी स्टूडेंट्स डिटेल में की हुई हैं फ्रूट कैसा है कैप्स्यूल रेयरली इट इज़ बेरी तो ये स्टूडेंट्स फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ऑफ द फैमिली लिलियसी और ये स्टूडेंट्स जो नीचे लिखा गया है दिस इज़ द फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल फार्मूला को ध्यान से देखो सो प्लस सिंबल यूज़ किया गया इट मीन्स दिस इज़ वॉट दिस इज़ दी एक्टीनोमॉर्फिक बाइसेक्शुअल फ्लार हैं पेरियंथ दिखाया गया पी मीन्स पेरियंथ थ्री प्लस थ्री ठीक है और ये पेरी एंड्रोशियम uh, है एंड्रोशियम भी थ्री प्लस थ्री है और ये जो एंड्रोशियम है एंथर्स हैं ये एपीपेटल हैं वाई दे आर एपीपेटल बिकॉज दे आर ये एपी टेपलस यूज करेंगे एपी टेपल बिकॉज दे आर अटैच्ड विद दी टेपल्स गाइनेशियम में Uh, जो है तीन कार्पल्स हैं तीनों के तीनों कार्पल्स फ्यूज्ड हैं ओवरी जो है वो सुपीरियर है ट्राई है और एक्साइल प्लेसेंटेशन है सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दी थ्री फैमिलीज और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है लास्ट इस फैमिली का ये है कि मोस्टली लिलियसी फैमिली को जो फ्लावर्स बिलोंग करते हैं दे ऑल आर ऑर्नामेंटल फ्लावर्स सम आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन जैसे एलोवेरा है एसपैरेगस जो है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है कॉल्ची जो है वो एज अ स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है तो इसे एज अ केमिकल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्री फैमिलीज़ एंड ओनली थ्री फैमिली स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में मैंशनड हैं तो मैंने तीनों की तीनों फैमिलीज़ को डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट्स तीनों फ़ैमिलीज़ की तुमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है हर एक फैमिली का जो है तुमने फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करना है और फ्लोरल फार्मूला लिखना है और फ्लोरल फार्मूला एक लिख के उसको डिस्क्राइब करो कि वहाँ पे जो के सिंबल किसको डिनोट कर रहा है सी सिम्बल किस को डिनोट करता है वट इज़ द सिम्बल ए वट इज़ द सिम्बल जी इज़ डिनोटिंग सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग वट डज अ फ्लोरल फॉर्मूला इट डिपिक्ट टू अस सो आई थिंक स्टूडेंट दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू सो थैंक यू टू ऑल